इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस हमारे प्लांट का जो आउटर मोस्ट वाली लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। सेल की सिंगल लेयर होती है जो हमारे प्लांट की पूरी बॉडी को कवर करती है। इनके बीच कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते, यानी कि इनके जो सेल्स हैं उनके बीच कोई भी स्पेस नहीं होते, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो है हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन देना। तो उस प्रोटेक्शन देने की वजह से इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जाते, क्योंकि अगर इनके सेल्स के बीच में स्पेस होंगे तो कोई भी पैथोजन फंगाई उसके अंदर हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर जाकर उसे इन्फेक्ट कर सकता है। हमारे एपिडर्मल जो ये सेल हैं, इन सेल की आउटर लेयर बाहर की तरफ से इनकी जो वॉल है वो थोड़ी थिक होती है और अंदर वाली वॉल थोड़ी थिन होती है। हमारे शूट के एपिडर्मिस में, यानी कि हमारे ग्राउंड के ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट होता है उसका एपिडर्मिस और हमारा रूट एपिडर्मिस, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। हमारा जो शूट एपिडर्मिस है वो एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, क्यूटिन उसे हम कहते हैं, क्यूटिन। वो सब्सटेंस वाटर प्रूफ होता है और वो हमारे एपिडर्मिस पे जमा होने के बाद एक काफ़ी थिक लेयर बनाता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो जो हमारी क्यूटिकल लेयर है वो क्यूटिन की बनी हुई है। ये जो वाटर प्रूफ लेयर है ये हमारे प्लांट में से वाटर लॉस नहीं होने देता, इसकी वजह से हमारे प्लांट्स वाटर कंजर्व करके रखते हैं। ये किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से हमारे प्लांट को बचाता है, जिससे कि फंगाई हमारे प्लांट को इन्फेक्ट ना करे, ये फंगाई से भी हमारे प्लांट को बचाता है। हमारे जो प्लांट डेजर्ट के अंदर होते हैं, डेजर्ट के अंदर बहुत ही ड्राई कंडीशन होती है, रेगिस्तान के अंदर वहाँ पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो जितना भी पानी हमारे प्लांट्स को मिलता है उस पानी को उन्हें कंजर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पानी हमारे प्लांट के अंदर से लॉस हो गया तो फिर हमारा प्लांट डेड हो जाएगा। तो हमारे प्लांट को वाटर लॉस से बचाने के लिए उसका जो एपिडर्मिस है डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स का, वो काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है अगर हम दूसरे प्लांट से कंपेयर करें। और उसके ऊपर जो क्यूटिकल है लेयर वो भी काफ़ी थिक पाई जाती है जो कि क्यूटिन की बनी हुई है। ये वाटर लॉस होने से बचाती है जिससे कि हमारा प्लांट के अंदर से पानी इवेपोरेट ना हो और वो उस पानी को कंजर्व करके रखे। तो ये एडेप्टेशंस पाई जाती हैं हमारे डेजर्ट प्लांट्स में। हमारे शूट एपिडर्मिस में हमारे लीफ का जो एपिडर्मिस होता है, इस एपिडर्मिस पर छोटी छोटी पोर्स पाई जाती हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं हमारी लीफ के ऊपर, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन पोर्स के थ्रू ही हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के एनवायरनमेंट से लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये जितना भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटा सराउंड होती है गार्ड सेल से। ये जो सेल हैं ये किडनी जैसे शेप के हैं, जिस शेप की हमारी किडनी होती है इस शेप के हमारे गार्ड सेल होते हैं। यही हमारी स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं, यही रेगुलेट करते हैं कि कब हमारे स्टोमेटा को ओपन होना है और कब क्लोज। स्टोमेटा का दूसरा फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हमारा प्लांट वाटर लूज करता है। जब हमारे प्लांट के पास इनफ वाटर अवेलेबल है सॉइल के अंदर तो वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट ने जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया है अपनी रूट की हेल्प से, उस वाटर का सिर्फ 1 या फिर 3% ही प्लांट यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस में और दूसरी एक्टिविटीज़ में। बाकी का जो 97 से 99% वाटर है वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा स्टोमेटा के थ्रू, वेपर्स बनकर वो हमारे एनवायरनमेंट में वापस चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस से वो अपना वाटर लूज़ करता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमारे प्लांट को 97 to 99% वाटर लूज़ करना है तो वो इस वाटर को एब्जॉर्ब ही क्यों करता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे वास्कुलर बंडल्स के अंदर एक प्रेशर बनता है वाटर का। उस प्रेशर की हेल्प से ही हमारे मिनरल्स अपलिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ, प्लांट की बॉडी में लिफ्ट होते हैं और हमारे प्लांट के सारे पार्ट्स को मिल जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने की वजह से जो हमें प्रेशर बिल्डअप करना होता है प्लांट के अंदर, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा प्लांट इतना ज़्यादा वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब करता है और उसका 97% वाटर लूज़ कर देता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के अंदर। तो ये था स्टोमेटा का दूसरा फंक्शन। अब हम आते हैं रूट एपिडर्मिस पर। हमारी जो रूट्स हैं इनका फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो हमारे रूट एपिडर्मिस कुछ एक्सटेंशन बनाता है, हेयर जैसे स्ट्रक्चर बनाता है,
उन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। इन रूट हेयर्स की हेल्प से हमारी जो रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि हमारी रूट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उस सरफेस एरिया से फिर वो वाटर को एब्जॉर्ब करके हमारे प्लांट तक पहुँचाती है। तो रूट एपिडर्मिस में हमें रूट हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आज का लेक्चर था एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम को पढ़ेंगे। थैंक यू।